गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन फोरम में इससे पहले अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा की थी, उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत जब मैसेज को मुंह से बोलकर भेजा जाता है तो इसे मौखिक संचार कहते हैं। इसके अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान मुंह से बोलकर किया जाता है। इस प्रकार के संचार में संदेश को भेजने वाला तथा संदेश प्राप्त करने वाला दोनों व्यक्ति आमने सामने होते हैं। मौखिक संचार में संदेश प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ उसी अर्थ में लगा लेता है जो अर्थ संदेश भेजने वाले का रहा है, क्योंकि संदेश में कुछ भी समझ में न आने पर संदेश प्राप्तकर्ता संदेश भेजने वाले व्यक्ति से संदेश के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। आज के युग में व्यवसाय के अंतर्गत संचार का अति महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्रबंधक को प्रतिदिन अपने दैनिक कार्यों से संबंधित निर्णय लेने पड़ते हैं, जिससे प्रबंधकों द्वारा लिए गए इन निर्णयों को अपने अधीनस्थों तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अधीनस्थ सुझावों के प्रबंधकों तक पहुंचाने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि चैनल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की, मौखिक संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो इसमें ले सकते हैं अपन, जैसे रेडियो है, रेडियो के माध्यम से श्रोताओं को अनेक सूचनाएं प्रदान की जाती है। विकास के साथ साथ ये साधन बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। मौखिक संचार विज्ञापन प्रसारण का एक अत्यंत उपयोगी साधन है। रेडियो वन वे यानी एकल मार्गी संचार का बहुत अच्छा साधन है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ संचार के अन्य साधन नहीं पहुँच पाते, वहाँ ये एक कारगर साधन है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे इसका प्रयोग केवल आकाशवाणी केंद्रों से किया जा सकता है, अतः व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए उपयुक्त साधन नहीं है। संचार का एकल मार्गी होना, गोपनीयता का अभाव होना आदि इसकी अन्य सीमाएं हैं। फिर भी समाचार, सरकारी घोषणा, विज्ञापन तथा मनोरंजक कार्यक्रम सुनने के लिए आज भी इसका प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी रेडियो में अपने मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। दूसरा है टेलीविज़न। आज के युग में टेलीविज़न का भी अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मैक्सिमम लोग दिन में टेलीविज़न पर कोई न कोई प्रोग्राम अवश्य देखते हैं। तो इसका प्रयोग विज्ञापन, जनसंपर्क, शिक्षा एवं निर्देशन देने के लिए किया जाता है। यह संदेश के साथ वार्ताकर्ता के दर्शन भी सभी को आसानी से सुलभ हो जाते हैं। पाश्चात्य देशों में ये साधन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। आजकल अपने देश में भी कई तरह के चैनल्स आ चुके हैं, जो विषय विशेष को लेकर दिन भर उससे रिलेटेड सारी जानकारी उस चैनल पर देते रहते हैं।
नेक्स्ट है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। साक्षात्कार के अवसर पर दोनों पक्षों का आमना सामना हो जाता है तथा बीच के दौरान बातचीत के दौरान सभी आवश्यक बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। टेलीफोन और मोबाइल, इस साधन के माध्यम से दूर स्थित लोगों से भी संपर्क किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान में टेलीफोन संचार तकनीक इतनी आधुनिक हो गई है कि किसी भी समय सीधी बातचीत तत्काल की जा सकती है। मोबाइल फोन के उपयोग ने तो सूचना के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मोबाइल फोन धारक किसी भी स्थान पर क्यों न हो तथा किसी भी कार्य में व्यस्त क्यों न हो, उससे तत्काल संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता संचार के अन्य रूपों में कभी कभी बाधक भी बन रही है, इसलिए महत्वपूर्ण मीटिंगों में सदस्यों को प्राय अपने मोबाइल फोन बंद करने को कहा जाता है। लेकिन अब जब परिस्थितियां बदल रही है तो शिक्षा के माध्यम में या दूसरे माध्यम में सबसे ज़्यादा प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से, वर्चुअल मीडिया के माध्यम से इन्हीं साधनों का किया जाता है। इसी तरीके से ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, नवनियुक्त कर्मचारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण देकर संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया जा सकता है। इसी प्रकार रिफ्रेशर कोर्स के द्वारा पुराने कर्मचारियों को नई नई विधियों द्वारा ज्ञान कराया जा सकता है। डिस्कशन विचार विमर्श या डिस्कशन ये द्विमार्गीय संचार का श्रेष्ठ साधन है जिससे सेवा योजित के मध्य अनेक मामलों में विचारों का आदान प्रदान तथा निर्णय किया जा सकता है। स्पीचेज भाषण यह संचार का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन है। भाषण के द्वारा भी अधिक से अधिक लोगों से बातचीत की जा सकती है। एक कंपनी में अध्यक्ष भाषण वास्तव में अंशधारियों व कर्मचारियों को कंपनी की प्रगति के विषय में जानकारी देने का अच्छा साधन है। मीटिंग्स सभाएं, सभाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन करके भी सूचनाओं का प्रेषण, वाद विवाद एवं विचार विमर्श किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार का महत्व। विभिन्न अनुसंधानों द्वारा ये स्पष्ट हो चुका है कि प्रबंधक वर्ग संचार में जितना समय व्यतीत करते हैं उसका कम से कम 75% समय वर्बल कम्युनिकेशन में ही व्यतीत करते हैं। अतः ये स्पष्ट है कि वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अन्य साधनों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। अब इसमें लीडरशिप के लिए एक जो नेता होता है, नेतृत्व तभी होगा जब एक व्यक्ति मौखिक रूप से यानी प्रत्येक संस्था में विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए प्रबंधकों को कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को नेतृत्व प्रदान करना होता है। व्यक्तिगत गुणों, प्रबंधकीय व्यवहारों एवं दृष्टिकोणों से प्रबंधकों में नेतृत्व योग्यता उत्पन्न होती है। नेतृत्व के द्वारा प्रबंधक अपने सहायकों को कार्य की प्रेरणा एवं उत्साह प्रदान करता है। अच्छा नेतृत्व प्रदान करने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन अधिक उपयोगी होता है। पार्टिसिपेशन भागीदारी, आज प्रबंध के क्षेत्र में भागीदारी प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रबंधकों द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने हेतु संस्था के सभी व्यक्तियों को बुलाया जाता है और विचार विमर्श किया जाता है। इस प्रकार के विचार विमर्श से अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है, आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं तथा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है।
रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता, ये प्रबंधकों के मानवीय दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। प्रत्येक मानव में अपने आप को मान्यता की आकांक्षा पाई जाती है। प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों के प्रति मानवता का व्यवहार करने, उनकी प्रशंसा करने, उन्हें पूर्ण सम्मान देने से आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में वर्बल कम्युनिकेशन शीघ्र स्वीकार कर लिए जाते हैं। काउंसलिंग, व्यवसाय के कुशल संचालन, समस्याओं के निदान, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रभावी ढंग से कार्य का मूल्यांकन करने हेतु आज उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ बैठकर मंत्रणा करना अधिक उपयुक्त समझते हैं। टू क्रिएट गुड क्लाइमेट, अच्छे वातावरण का निर्माण। व्यवसाय की सफलता संस्था के वातावरण पर निर्भर करती है। यदि संस्था का वातावरण अच्छा है तो कार्य तेजी से होता है। अच्छे वातावरण का निर्माण केवल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही संभव है। बिना कम्युनिकेशन के कन्फ्यूज़न, अफवाहें, अज्ञान आदि फैलते हैं, प्राय व्यवसायिक वातावरण को दूषित करते हैं तथा व्यवसाय की प्रकृति में अवरुद्ध करते हैं। टीम स्पिरिट, समूह भावना, संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिकारियों को कार्य करने वाले व्यक्तियों में समूह भावना अर्थात मिलकर कार्य करने की भावना का विकास करना होता है। इस भावना के विकास में मौखिक संचार मुख्य भूमिका अदा करता है। कंसल्टेशन, सलाह करना, आज प्रत्येक संस्था में प्रबंधक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए संबंधित व्यक्तियों से सलाह लेना चाहते हैं, जिससे उनके विचारों, अनुभव और ज्ञान आदि का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। अतः प्रत्येक प्रबंधक परामर्शीय प्रबंध में विश्वास करते हैं। इस प्रकार के परामर्शीय प्रबंध में संचार का विशेष महत्व है। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, सत्ता का प्रत्यायोजन, अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को कार्यभार सौंपना ही पर्याप्त नहीं होता है, अपितु उन्हें आवश्यक अधिकार भी प्रदान करने होते हैं। अधिकारीगण अधीनस्थों को सौंपे गए कार्यों को पूरा कराने के लिए अधिकारों का अंतरण करते हैं। अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को ये अधिकार लिखित और मौखिक रूप में प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इस प्रेषण में भी मौखिक संचार अधिक प्रयोग में लाया जाता है। एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार के लाभ, इससे समय की बचत होती है, क्योंकि इसमें लिखने का कार्य नहीं करना पड़ता है, जिससे समय बचता है और संदेश कर्मचारियों तक शीघ्र पहुंच जाता है। धन की बचत होती है, इकोनॉमी इन मनी, इससे, क्योंकि इसमें कागज है, सही है, इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। क्लियरिटी ऑफ मैसेज, संचार की स्पष्टता, इसमें संदेश अधिक स्पष्ट होते हैं, क्योंकि भ्रम की दशा में तुरंत निवारण किया जा सकता है और स्पष्टीकरण में भी व्यर्थ का समय नष्ट नहीं होता है। मोर इफेक्टिव, अधिक प्रभावपूर्ण, मौखिक संचार संदेश प्राप्त करने वाले पर शीघ्र प्रभाव डालता है, साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा भी इसे प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। कई बार प्रश्नों का उत्तर मौन रहकर, गर्दन हिलाकर, हाव-भाव के द्वारा दिया जा सकता है। विशिष्ट अवसरों पर प्रसन्नता, क्रोध, आदर और घृणा आदि भावों से इसे और भी प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। कोऑपरेशन, सहयोग,
इसमें प्रबंधक एवं कर्मचारी आपस में व्यक्तिगत संपर्क में आते रहते हैं, जिससे संगठन में सहयोगपूर्ण वातावरण बराबर बना रहता है। कर्मचारियों का व्यक्तिगत संपर्क अनौपचारिक संगठन को जन्म देता है, जिससे पारस्परिक सहयोग और अधिक बढ़ता है। नॉलेज ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का ज्ञान। प्रत्यक्ष संचार से संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर होने वाली प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया जा सकता है। मात्र संचार ही पर्याप्त न होगा जब तक उसके प्रभाव का अनुमान न लगाया जा सके। यदि संदेश प्राप्त करने वाले पर इच्छित प्रभाव नहीं हुआ है, तो उस संदेश को पुनः प्रेषित करके प्रभावशाली बनाया जा सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार के दोष। मौखिक संचार के लाभों के अलावा इसमें यानी कम्युनिकेशन में व्यवसायिक क्रियाओं में सुगमता तो आती है, अनेक कार्य सरलता से पूरे हो जाते हैं, लेकिन व्यवसाय में कई अवसर ऐसे भी आते हैं जिनमें वर्बल कम्युनिकेशन अनुपयोगी सिद्ध होता है, जिसके कई कारण हैं। जैसे प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक है। इसमें दोनों पक्ष अर्थात मैसेज देने वाला और प्राप्तकर्ता दोनों का उस समय उपस्थित होना आवश्यक है। यदि किसी समय संवाद प्राप्तकर्ता उपलब्ध न हो तो मौखिक संचार संभव ही नहीं हो पाता है। लैक ऑफ प्रूफ, लिखित साक्ष्य का अभाव। इसमें मौखिक संचार में प्रेषित किए गए संवादों का कोई लिखित प्रमाण होता नहीं है। यदि संवाद प्राप्तकर्ता बाद में अपनी स्थिति से विमुख हो जाए, तो उसके विरुद्ध कोई लिखित प्रमाण न होने से किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग मैसेज, लंबे संदेश के लिए यह अनुपयुक्त है। वर्बल कम्युनिकेशन लंबे संवादों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है, क्योंकि संवाद प्राप्तकर्ता द्वारा इन्हें याद रख पाना असंभव ही होता है। कुछ संदेश लंबे होने के साथ साथ भविष्य के लिए उपयोगी होते हैं, ऐसे में स्थायी रूप से इन्हें रखना होता है। जैसे किसी कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन है, अध्यक्षीय भाषण है, तो उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है। नॉन अवेबिलिटी ऑफ रेफरेंस, भविष्य में संदर्भ की प्राप्ति नहीं। ऐसी सूचनाएं जिनका प्रयोग सामयिक होता है उनके लिए मौखिक संचार उपयुक्त रहता है, परंतु ऐसी सूचनाएं जो व्यवसाय के भावी संदर्भ के लिए आवश्यक होती है उनके लिए मौखिक संचार अनुपयुक्त होता है। किसी संस्था में प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय, निर्धारित की गई नीतियां भविष्य में प्रबंधकों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है, ऐसे में मौखिक संचार के रूप में ये उपयुक्त नहीं रहता है। क्विक रेस्पॉन्स नेसेसरी, तुरंत उत्तर आवश्यक है। मौखिक संचार में संवाददाता को संवाद के प्रेषण में कम समय मिलता है, जिससे जल्दी जल्दी में कभी कभी संवाददाता द्वारा कटु शब्द भी निकल सकते हैं। ये कटु शब्द एक ओर प्रेषित संवाद के महत्व को नष्ट कर देते हैं और दूसरी ओर आपसी संबंधों में कटुता उत्पन्न कर देते हैं। इसी प्रकार संवाद प्राप्तकर्ता को भी संवाद के संबंध में सोचने का पूरा समय नहीं मिल पाता है। इस तरह से वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आपने इसका महत्व, इसके लाभ, इसके डिसएडवांटेज सारा जो है आज आपने इसका अध्ययन किया है। आगे वाले अगले लेसन में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।